रोमन रेंस ने चलते मैच में किया ब्रोक लेसनर के ऊपर हमला और बॉबी लेसली को बनाया न्यू WWE चैंपियन। तो गाइस जैसे कि फाइनली अब रॉयल रंबल में WWE चैंपियनशिप के लिए होने वाला ब्रोक लेसनर और बॉबी लेसली का मुकाबला अब हो चुका है, जिसकी एंडिंग काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी। यहाँ पर रोमन रेंस ने आकर पूरा गेम ही बदल डाला। तो इस वीडियो में हम इसी चीज को लेकर बात करने वाले हैं कि हमें ब्रोक लेसनर और बॉबी लेसली के मैच के दौरान क्या कुछ देखने को मिला। हालांकि इससे पहले की वीडियो में हमने रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मुकाबले को लेकर बात की थी, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मेन इवेंट में होने वाले 30 मेंस रॉयल रंबल मैच से पहले हमें WWE चैंपियनशिप के लिए ब्रोक लेसनर और बॉबी लेसली का मुकाबला देखने को मिला। मुकाबले की शुरुआत में दोनों की तरफ से ही सुप्लेक्स की बारिश देखने को मिली। वहीं पर बॉबी लेसली ने ब्रोक लेसनर की F5 को काउंटर करते हुए उन्हें दो स्पीयर लगा दी। फिर बॉबी लेसली ने ब्रोक लेसनर को बैरिकेड में स्पीयर लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रोक लेसनर वहां से हट गए और बॉबी लेसली क्रैश हो गए। रिंग में आने के बाद ब्रोक लेसनर ने बॉबी लेसली को सुप्लेक्स सिटी लगा दी, और जिसके बाद बॉबी लेसली भी ब्रोक लेसनर को हार्ट लॉक में जकड़ लेते हैं। लेकिन जब ब्रोक लेसनर बॉबी लेसली को F5 लगाते हैं तो रेफरी को लग जाती हैं, जिस वजह से वह उन्हें पिन नहीं कर पाते हैं, और यहीं पर रोमन रेंस आकर ब्रोक लेसनर को स्पीयर लगा देते हैं, और फिर पॉल हेमन से WWE चैंपियनशिप लेते हैं और चैंपियनशिप से ब्रोक लेसनर के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर बॉबी लेसली ब्रोक लेसनर को पिन करते हुए इस मैच को जीत लेते हैं और बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन। वहीं मैच के बाद पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ बैक स्टेज जाते हुए नजर आए और उन्हें एक्नोलेज करते हुए नजर आए। तो अब हमें एक बार फिर ब्रोक लेसनर और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन की शुरुआत देखने को मिल सकती है। वैसे आज का दिन रोमन रेंस के लिए काफी अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सालों पुराना द शील्ड ब्रेकअप का बदला सेथ रोलिंस से लिया, और लगे हाथ उन्होंने यहाँ पर ब्रोक लेसनर से भी अपना बदला ले लिया। तो शायद अब हमें इनका मैच रेसलमेनिया 38 में देखने को मिल सकता है। तो गाइज क्या है आपके ख्याल, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।